हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कैपेसिटर की प्रॉब्लम आप 12th क्लास में करते हैं, चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। तो आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, इनको हम एक सेकेंड के अंदर सोल्व करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही आपने सुना, एक सेकेंड के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ शॉर्टकट मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड आप यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे केस नंबर वन। केस नंबर वन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में मैंने 6 कैपेसिटर जोड़े हैं और 6 के 6 कैपेसिटर आप देख सकते हैं सीरीज में हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा, अगर इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता है सभी के अक्रॉस, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लेता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी सर्किट की, जो टोटल कैपेसिटेंस सर्किट की बनेगी, वो कितनी होगी। तो देखिए, मैं एक सेकंड के अंदर आपको पहले आंसर इसका दूंगा, सोल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर बनेगा सी बाई एन, डेट इज 6 पिको फेराड बाय 6 1 पिको फेराड। ये इसका आंसर है। अब ये आंसर आया कैसे, किस मेथड से आया है? तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सारे के सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के लिए जाते हैं, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है सी बाई एन, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, कोई भी एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस आप लोगे और उसको आप एन से, एन मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6 जितने आपने कैपेसिटर लिए हैं सर्किट में, उसे आप भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट की आ जाएगी। तो ये आपको सभी को पता ही होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो घट जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, और पैरेलल में अगर आपने कैपेसिटर जोड़े हैं तो सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। जबकि रजिस्टर्स के केस में ठीक इसके अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। देखो, अगर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है, कैपेसिटर जोड़ रखे हैं सीरीज में, सभी की कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तो आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप वहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4 प्लस 1 बाई C5 प्लस 1 बाई C6 ये मेथड नहीं लगाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं या फिर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं किसी भी पेपर में, तो आप सिंपल ये वाला मेथड लगा के सेकेंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। इस मेथड से सोल्व करोगे, बाद में आप LCM लोगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर उसको उसका रेसिप्रोकल करोगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके बजाय डायरेक्ट आप ये मेथड लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला जो कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है, तब भी आप एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड लगाओगे, सिंपल सा मेथड होगा, वो होगा जो आपने सप्लाई वोल्टेज जोड़ी है उसको सिंपली डिवाइड कर दो एन के साथ, एन मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर के साथ। तो ये आपका हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 6, तो 20 वोल्ट। ओके, कोई भी कैपेसिटर है, कोई नंबरिंग इसके आप डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोलता हूँ 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका बनेगा 20 वोल्ट का। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे केस नंबर टू पे। केस नंबर टू में हमने 5 कैपेसिटर लिए हैं और 5 के 5 पैरेलल में हैं। पैरेलल की पहचान आप सभी को पता ही होगी, जितने भी कैपेसिटर हैं सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, क्योंकि सारे कैपेसिटर इन दो पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ये वाला भी, ये सारे कैपेसिटर ए और बी से जुड़े हुए हैं और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, इस कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमने जोड़े हैं। तो देखो, इसका आंसर भी मैं एक सेकंड में आपको निकाल के दिखाऊंगा। कैपेसिटेंस पूछी है सर्किट की कितनी होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे एन सी
एन की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, तो आंसर बन गया आपका 10 माइक्रोफेराड। देखिए एक सेकंड में आंसर आ रहा है, सिंपल 5 की मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू के साथ, 5 × 2 10 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर आपने क्या करना, जैसा मैंने आपको बताया कि पैरेलल में अगर कंपोनेंट जोड़ोगे, पैरेलल में अगर आप कैपेसिटर को जोड़ोगे, तो सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इफेक्टिव जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की सर्किट की, वो वैल्यू बढ़ जाती है। जितने भी कैपेसिटर होंगे उतनी ही वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास जो बनता है वो बनता है एन सी। अगेन एन याद रखोगे नंबर ऑफ कैपेसिटर, सी जो इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर आपने जोड़े हैं, किसी भी एक कैपेसिटर की आप कैपेसिटेंस उठा लेंगे, जैसे यहाँ पर है 2 माइक्रोफेराड, तो आपका आंसर बनेगा 10 माइक्रोफेराड। तो ये है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। अगर पेपर में कहीं पर आगे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है तो आप ये मेथड लगाएंगे। पैरेलल में जाने के लिए आप अलग अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, C1 + C2 ऐसा करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, सिंपल एन से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा। ये एक शॉर्टकट है इसका। दूसरा, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भी किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 100 वोल्ट ही होगा। दूसरा, अगर आपसे किसी भी कैपेसिटर, जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ ये C1 है, आपसे किसी भी कैपेसिटर से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चार्ज का स्टोरेज कितना करेगा, जैसे मान लीजिए बात करता हूँ मैं इस वाले कैपेसिटर की, तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो ये कैपेसिटर जो है, मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये हमारा पहला कैपेसिटर है, तो पहला कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा CP × और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका मान लीजिए V। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्ट AB से जुड़ा है और AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी कितना दे रही है 100 वोल्ट, तो आंसर आपका आएगा CP की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा 200 और माइक्रो कूलम, ये आपका आंसर है। सिंपल मेथड ओके। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे क्यू का जो चार्ज स्टोरेज का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं Q/V होता है, तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला बनेगा C × V। तो कैपेसिटेंस जिस कैपेसिटर में आपने चार्ज की स्टोरेज देखनी है उसी की कैपेसिटेंस आप यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई करोगे उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आंसर आपका बनेगा 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को आप शॉर्ट टाइम में कम टाइम में कर सकते हैं और इजी वे में आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसी तरह का कोई शॉर्ट मेथड देखेंगे जिसमें हम कैपेसिटर में चार्ज का स्टोरेज देखेंगे, कैपेसिटर में हम किसी भी सर्किट की हम टोटल एनर्जी जो है कितनी स्टोर करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।